press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना जो एक्सक्लूसिवली और स्पेशली स्पेसिफिकली सिर्फ मुसलमान बेटियों के लिए ही आया था, जिसमें किसी हिंदू महिलाओं ने बेटियों ने आवाज नहीं उठाया कि आखिर क्यों मुसलमान के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने निकाला, जिसमें 9 से 10 क्लास पास करने वाली को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिला, जिसमें 11 से 12 क्लास पास करने वाली को 12,000 का स्कॉलरशिप मिला और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर करके आने वाली को 51,000 रुपए स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद ईदी योजना मुसलमानों के लिए आया, सीखो कमाओ योजना मुसलमानों के लिए आया, कारीगर योजना मुसलमानों के लिए आया, उसके अलावा जितनी योजनाएं थी उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी मुसलमानों की थी और मुसलमानों ने लिया भी, उन योजनाओं का लाभ भी उठाया। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश में 35% मुसलमानों ने आवाज योजना का लाभ उठाया। अब मैं आपको एक और सच्चाई से आगाह करवा देती हूँ कि रामपुर उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसमें 1800 या 2300 मुसलमान ही सिर्फ रहते हैं और कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति वहां पर ना घर ले सकता है ना जमीन ले सकता है, जहां पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने 532 घर सिर्फ मुसलमानों को दिया, जबकि वहां से वोट नहीं मिला, एक भी वोट नहीं मिला हमें। तो मेरा ये और उसमें ताजुब की बात यह है कि उस गांव के 31 ऐसे लोग हैं जो कहा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता होने का ढोंग करते थे उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं किया उस गांव के लोगों ने। तो मेरा ये मानना है कि झूठ भी एक लिमिट में बोला जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अब ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है, देखिए पहले क्या ठेकरा फोड़ा गया ईवीएम पे, ईवीएम ऐसा है ईवीएम वैसा है, ईवीएम तो 400 सीटें क्या, ये तो 528 सीटें दे देगा भारत के प्रधानमंत्री को। उसके बाद जैसे ही 99 पर ऑल आउट हुआ कांग्रेस ने अपनी औकात समझ ली और समझ लिया कि 28 भारत के 28 राज्यों में 99 सीट की ही औकात हमारी थी। अब मैं बताना चाहूंगी कि ये लोग जो इतनी लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 0 इंडिया अलायंस, अरुणाचल प्रदेश में 0 इंडिया अलायंस, दिल्ली में 0 इंडिया अलायंस, हिमाचल प्रदेश में 0 इंडिया अलायंस, जम्मू कश्मीर में 0 इंडिया अलायंस, मध्य प्रदेश में 0 इंडिया अलायंस, त्रिपुरा में 0 इंडिया अलायंस, उत्तराखंड में 0 इंडिया अलायंस, छत्तीसगढ़ में 1 कांग्रेस, गुजरात में 1, ओडिशा में 1, पश्चिम बंगाल में 1। काहे की विक्ट्री भैया, काहे का ढोल बाजा नगाड़ा और बताशा, काहे की प्रियंका वाड्रा येलो येलो साड़ी। तब मुझे समझ में आया कि स्कूल में दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो 90% लाते हैं फिर भी मायूस रहते हैं कि 10% क्यों नहीं आया, जरा सी और मेहनत कर लेते तो वो 10% भी आ जाता, और एक बच्चा होता है जो 35 नंबर लाने के बाद इतना बड़ा मिठाई का डब्बा उसकी माँ सबके घर में भेजाती है, मेरा बेटा 35 नंबर से पास हुआ है, मेरा बेटा 35% से पास हुआ है। तो ये है सोनिया एंटोनियो, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। नाज़िया जी, ये आपने जितने भी आंकड़े दिए हैं ये आंकड़े सच में उन लोगों को पता होने चाहिए जो छाती पीट रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं चैनल्स के उसमें जो कह रहे हैं कि एक भी मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं मिली। लेकिन अब तो कांग्रेस ने एक और खेल खेला है, वो जो आपने देखा होगा राहुल ने कहा था खटाखट 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 करके 8500 रुपए हर महीने के 4 तारीख को आपके खाते में आएंगे, वो तो महिलाएं लंबी लंबी कतारों में खड़ी नजर आई वहां पर पहुंची हुई थी पैसा लेने के लिए। तो ये और ये जो जितनी सुविधाएं पीएम मोदी ने दी है या मोदी सरकार ने दी है, क्या शरिया के हिसाब से सब जायज है? नहीं, शरिया के हिसाब से तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, शरिया के हिसाब से तो ये भी जायज नहीं है अंजू जी कि मैं आपके घर का एक ग्लास पानी भी पी सकूं, क्योंकि आप काफिर हैं मेरी नजर में, मेरे इस्लाम के हिसाब से। आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है अभी कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके कलेजे में बहुत दर्द हो रहा था और जो कभी ईवीएम पर ठेकरा फोड़ रहे थे आज वो ईवीएम पर बात भी नहीं करना चाह रहे, एकदम बात नहीं करना चाह रहे। और मैंने 4 जून को रात में एक ट्वीट किया,
किया था, वो काफी वायरल भी हुआ। मैंने उसमें टैग भी किया राजीव जी को, बरखा दत्त आंटी को, आरफा खानम शिरवानी आंटी को, ध्रुव राठी चचा को, और जुबेर जो हमेशा महिलाओं की छाती में दाल मुंह करके अपना नाम उजागर करता है। मैंने इन सब से पूछा कि प्लीज ये जो आंकड़े मैं दे रही हूँ और लिख रही हूँ अपने ट्विटर एक्स पर, इसका फैक्ट चेक करके जरा बता दिया जाए। मैंने एक वीडियो भी डाला है जिसमें पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ में ताहा सिद्दीकी को 101 कंप्यूटर मैंने डोनेट किया था ताकि उनके मदरसे में मुसलमान जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ें। मैंने वो वीडियो भी डाला और मैंने कहा कि इसको भी फैक्ट चेक करो, अगर ये फेक है तो मेरे ऊपर केस करो, और ताहा सिद्दीकी का बयान भी साथ में लेकर के कि नाजिया ने 100 कंप्यूटर आपको दिया था कि नहीं दिया था, इमीडिएट कोर्ट जाओ और मेरे ऊपर केस करो अगर मैं गलत बोल रही हूँ। आपको पता है वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे, किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरा मानना ऐसा है कि आप हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ले रहे हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका हक बनता है लेने का। हम जब आपके पास जाते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, वोट देना या ना देना ये आपके ऊपर है। आप नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर, आपकी जनता का जो डिसीजन होता है वो सरमथे होता है। हम उसको क्रिटिसाइज ना करना चाहते हैं ना करेंगे कभी भी, लेकिन योजनाओं में आपकी हिस्सेदारी है, वो आपको मिली है, इससे इनकार मत कीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री को या हम जैसे लोगों को गाली मत परोसिए, कम से कम झूठ की फुलझड़ी मत जलाइए कम से कम। ये बरखा दत्त आंटी को भी समझना चाहिए, ये आरफा खानम शिरवानी आंटी को भी समझना चाहिए, और जर्मन कॉकरोच जो भारत के बारे में लिख रहा है और बोल रहा है, उसका क्या अधिकार है यहाँ के बारे में बोलने के लिए, जो व्यक्ति जर्मन से वोट डालने नहीं आया भारत में, मतदान करने नहीं आया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने नहीं आया भारत में, वो भारत के बारे में बात करेगा। आपने एक और बहुत खूबसूरत बात छेड़ी है, खटाखट 1 लाख रुपया ड्यूरिंग इलेक्शन से पहले। हर एक पार्टी अंजू जी अपने तरीके से एक ब्लूप्रिंट बनाती है, जो मौजूदा सरकार होती है उसके काम को देखती है, उसके होमवर्क को देखती है और उसके आगे के लक्ष्य को देखती है, और उसके बाद फिर अपोजिशन एक ब्लूप्रिंट बनाती है कि हमें किस मुद्दे पर बात करना पड़ेगा ताकि हमारी जीत होगी। संविधान है, डेमोक्रेसी है, हर कोई ये कर सकता है, लेकिन जब इंडी अलायंस की 38 पार्टियां मिल करके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए स्ट्रैटेजी सेट कर रही थी, तब उनको लगा कि सारे काम तो ये बेहतर ही कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या करेंगे, लाभ तो जात और धर्म और मजहब सबने उठाया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही नहीं है, तो अब हम क्रिटिसाइज करेंगे किसको। अब हमें ऐसा लगा और जनता को ऐसा लगा, या राइट विंग के जो धारणा रखते हैं उनको ऐसा लगा कि 38 पार्टियां मिलकर के एक मोदी जी को हराने की कोशिश में लगी हुई है, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि टूल किट तो जर्मन से भी था और सजेशन किट तो पाकिस्तान से भी था। फवाद चौधरी वहां से बैठ बैठ के ट्विटर पर क्या क्या लिख रहे थे। नहीं अभी तो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप तो फवाद चौधरी तो चिल्ला कर बोला है, अभी तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी आंखें फट जाएंगी। ये खटाखट 1 लाख रुपए के स्कीम का सजेशन पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल पार्टी से आया था। अब मैं आपको बताती हूँ, राज खोलती हूँ। याद होगा इस आपके व्यूअर्स को भी और देश की जनता को भी कि बेनजीर भुट्टो की एक दुर्घटना में मौत हुई थी 2007 में, सबको याद है। 2008 में दोबारा वहां पर इलेक्शन हुआ था और वजीर आजम चुनने की बारी आई थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी जिससे बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी थी, उसी पार्टी का की जिम्मेदारी उठाया था आसिफ अली जरदारी ने, जो बेनजीर भुट्टो के काबिंद शौहर थे, और उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चालू किया था जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान की माता बहनों को 12,500 रुपए हर 3 महीने में दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आएगी तो। और पाकिस्तान पीपल पार्टी
जीत हासिल की थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत करके आसिफ अली जरदारी मतलब बेनजीर भुट्टो के शौहर के नेतृत्व में जीत करके वापस आई और आज तक पाकिस्तान की वो महिलाएं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का गारंटी कार्ड लेकर के धक्के खा रही हैं पर उनको पैसा कभी नहीं मिला। और ये सजेशन पाकिस्तान से राहुल गांधी जी को आया था और उन्होंने गारंटी कार्ड भी बंटवाया, इलेक्शन कमीशन के रूल का उल्लंघन करके बंटवाया अपने कई कार्यकर्ताओं को और खास करके महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने बाजार में उतारा और गारंटी कार्ड की सहूलियत का पूरा कन्विंसिंग कंटेंट दे करके उतारा और इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे वो ब्राइब की बात करते रह गए और इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ कुछ पत्रकारों बल्कि जो फैक्ट चेक करने वाले हैं उनको भी आड़े हाथों लिया और बात की ईवीएम पे। इस चुनावों के नतीजों के बाद कम से कम अपोजिशन ईवीएम पे अब उंगली नहीं उठा सकती आने वाले कई सालों तक। और दूसरी ओर आपने देखा नाज़िया खान जी ने राज खोला कि राहुल गांधी को जो खटाखट पैसे देने की स्कीम है वो कहां से उनको आइडिया मिला। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।